मुल्क भर में पीएम मोदी की जानिब से लॉकडाउन के ऐलान के बाद जो लोग दूसरे मुकाम का सफ़र कर रहे थे उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना है। अजमेर में वाक़ दरगाह अजमेर की ज़्यारत करने के लिए भी मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात से लोग पहुंचे हुए थे, ताहम लॉकडाउन की वजह से उन्हें कई मुश्किलात का सामना है। वो अपने मुकाम को वापस भी नहीं जा पा रहे हैं और अब उनके पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। इस मुश्किल की घड़ी में ऐसे लोग वीडियोस बनाकर अपनी अपनी रियासतों के वज़राए आला, सियासी कायदीन और हुकाम से उन्हें अपने मुकाम को वापस बुलाने की अपीलें कर रहे हैं। कलकत्ता का रहने वाला अचानक हमारे को ऐसी मुश्किल हो रही है, हमारे जाने के टिकट भी कैंसिल हो गए, घर में सब जनाना और बच्चों को छोड़ के आए थे, हमारे जाने का भी कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा। हम होटल में रुके हुए हैं, हमारे खाने के लिए, हमारे किराए के लिए इंतजाम कुछ भी नहीं है, हम बहुत परेशान हाल है, इसलिए आपके पास इजहार कर रहे हैं। हमारे पाँव पर मार रहे हैं पुलिस वाले, हमारी अड़ी इतनी से बात कर रहे हैं, हमारे कुए कमर ये आप इतना करिए, ये गरीब बहनों को अपने घर तक पहुंचा दिए, बस अल्लाह आपके खैर करेगा।